गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स स्टेम एंड लीव्स। स्टूडेंट्स, पहले जैसे हमने पढ़ा था कि एक प्लांट सीड से कैसे प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है, तो स्टूडेंट ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे कि एक रूट से, स्टेम से और लीव से हम कैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। All kinds of plants do not grow from seeds. In some cases, new plants are formed from roots, stem or leaves. This is known as vegetative reproduction. Students, सभी plants हमेशा seed से नहीं grow हो सकते। कुछ plants को grow करने के लिए हमें उनकी roots, stem और leaves की ज़रूरत होती है। तो student, ये प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। सम प्लांट्स फॉर्म न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। द स्वीट पोटैटो, ब्रेड फ्रूट एंड ब्लैकबेरी आर सम सच प्लांट्स। स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने के लिए उनकी जो रूट्स होती हैं वही सफिशेंट होती हैं। अगर हम उनकी रूट्स को कहीं पर प्लेस करेंगे तो वो ग्रो करने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं स्वीट पोटैटो, ब्रेड फ्रूट एंड ब्लैकबेरी। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो उनकी स्टेम से, उनकी टहनी से ही भी ग्रो करने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो रोज़ का प्लांट होता है, रोज़ फ्लावर का जो प्लांट होता है, उसकी अगर हम स्टेम को काट के कहीं पर मिट्टी में कहीं पर प्लेस करते हैं तो वो ग्रो करने लग जाता है। तो स्टूडेंट, ये ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि टी, शुगर केन, ड्रमस्टिक, मिंट, रोज़, जैस्मिन, ग्रेप एंड मोस्ट कैक्टस प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। तो स्टूडेंट, ये सभी स्टेम से ग्रो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स सच एज लिलीज फॉर्म बल्ब्स। द बल्ब्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जो स्टेम लिलीज जैसे प्लांट्स की स्टेम जो होती हैं वो बल्ब्स बनाती हैं। बल्ब्स यानी जैसे एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, ऑनियन जैसा एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो वो बनाती हैं, तो उनके हेल्प से वो नए प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। फिर न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ बनाना, जिंजर, टर्मरिक एंड पोटैटो। स्टूडेंट्स, जो ये न्यू प्लांट ग्रो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम से, वो कुछ उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं बनाना, जिंजर, टर्मरिक एंड पोटैटो। ये इन सभी प्लांट्स की अगर हम स्टेम को ज़मीन में लगाएं तो उनमें से भी एक नया प्लांट निकल सकता है। स्टूडेंट्स देखिए, टाइनी बर्ड्स डेवलप ऑन अ पोटैटो इन अ सर्टेन सीजन। दीज बर्ड्स इफ बरिड इनटू सूटेबल सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आपने पोटैटो देखा होगा, एक सीजन में उस पे ऐसे टाइनी बर्ड्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप देख भी पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये टाइनी बर्ड्स हैं जिन्हें हम उनकी आई बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस पार्ट को कट करके और ज़मीन में दबा दें तो स्टूडेंट्स ये भी एक नए प्लांट में ग्रो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रोसेस है हम इन प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब लीव से कैसे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स फॉर्म न्यू प्लांट्स। मैच्योर लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, स्वीट पोटैटो एंड बैगोनिया डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स या प्लांटलेट्स। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइलम का आपने शायद देखा भी, हम हिंदी में पत्थरचट बोलते हैं। इसका क्या, इसको कैसे ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी आप देखिए, ये लीव होती है ब्रायोफाइलम की, जिसमें से ये प्लांटलेट्स ग्रो करने लग जाते हैं अगर इसको हम बरेड करें तो सॉइल में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये कुछ और भी हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड बैगोनिया, जिसकी लीव्स को बरी करके इसको हम प्लांट, एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो नए प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। अब ट्रीज सच एज कैडर्स फर्स एंड पाइंस डू नॉट फ्लावर। जो ये कैडर्स फर्स और पाइंस होते हैं स्टूडेंट्स, इन पर फ्लावर नहीं आते। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दे प्रोड्यूस कॉर्न्स विद सीड्स। द सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। स्टूडेंट इनके पास ऐसे कॉर्न्स होते हैं जो सीड्स होते हैं जिनमें, और ये इन्हीं सीड से एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं। अब इनमें स्टूडेंट जो फर्न्स होते हैं, देखिए फर्न की जो लीव आप देख रहे हैं, इनमें स्टूडेंट स्पोर्स होते हैं। जो ये रेड कलर के आप देख रहे हैं इनके लीव्स पे स्पोर्स होते हैं। फॉर ऑल्सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। दे प्रोड्यूस स्पोर्स ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ देयर लीव्स। स्पोर्स आर टाइनी बॉडीज। वेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। स्टूडेंट जो ये स्पोर्स होते हैं ना, ये टाइनी बॉडीज होती हैं जो इन लीव्स के लोअर पोर्शन में या लोअर सरफेस में लगी रहती हैं, और ये कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स ये ग्राउंड पर ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। और स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे ये गिरते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक सीड का काम करते हैं जो कि लीव्स के लोअर पोर्शन पर लगे रहते हैं। तो ऐसे फर्न्स ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, एक लाइफ स्किल साइज में एक फैक्ट है। प्लांट सच एज कोलिस, क्राइसैंथेमम एंड पैशन फ्लावर कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। स्टूडेंट्स ये तीनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको भी हम स्टेम कटिंग से, जैसे रोज को ग्रो करते हैं, इनको भी ऐसे हम ग्रो कर सकते हैं इन तीनों प्लांट्स को। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं क्रॉप्स के बारे में। जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। स्टूडेंट जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं। द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन इन पर्टिकुलर्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। स्टूडेंट जिस भी एरिया में जो क्रॉप होती है या उसकी खेती की जाती है स्टूडेंट्स, तो वो डिपेंड करता है वहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, वहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, टाइप ऑफ सॉइल पे, और उस प्लेस के क्लाइमेट पे। स्टूडेंट्स ये कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन द वार्म कोस्टल रीजन्स विद गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल फार्मर्स ग्रो पैडी। पैडी स्टूडेंट्स राइस, जिसे हम धान भी बोलते हैं, इन द क्लेई सॉइल। स्टूडेंट्स जब जो वार्म कोस्टल रीजन्स होते हैं जहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल हमें मिल जाता है, वहाँ पर फार्मर्स राइस उगाते हैं या पैडी उगाते हैं इन द क्लेई सॉइल। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो सॉइल होती है वो किस टाइप की होती है, क्लेई सॉइल होती है स्टूडेंट्स। एंड इन ड्राई रीजन्स विद सैंडी सॉइल एंड लिटल वाटर फार्मर्स ग्रो मिलेट सच एज ज्वार एंड रागी। लेकिन स्टूडेंट्स जहाँ पर पानी बहुत कम होता है और सॉइल सैंडी होती है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर जो फार्मर्स उगाते हैं वो उगाते हैं जैसे कि ज्वार हो गया स्टूडेंट्स, बाजरा हो गया, रैगी। तो स्टूडेंट इस टाइप की क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती हैं। सेवरल क्रॉप्स आर ग्रोन इन रीजन्स वेयर वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। स्टूडेंट्स जहाँ पर पानी पूरे साल रहता है, वहाँ पर कुछ अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि हर एक रीजन में उसके वाटर की अवेलेबिलिटी पे या उसके सॉइल की टाइप पे अलग अलग तरह की हम क्रॉप्स उगाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं खारिफ एंड राबी क्रॉप्स क्या होती हैं। इस टाइम पे, उस टाइम पीरियड के हिसाब से इन क्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम बोलते हैं खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। स्टूडेंट जो क्रॉप्स नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाई जाती हैं उनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। और स्टूडेंट्स जो क्रॉप्स
रबी क्रॉप्स आर सॉन इन विंटर, और स्टूडेंट्स ये नवंबर टू अप्रैल के बीच में स्टूडेंट विंटर सीजन होता है, ये हमें पता ही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, रबी क्रॉप्स हमेशा विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। उनमें क्या होता है स्टूडेंट, रबी क्रॉप्स में मेनली वीट एंड पल्सेस होती हैं। वीट एंड पल्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, गेहूं और दालें। ये क्रॉप्स गेहूं और दालें मेनली विंटर सीजन में उगाई जाती हैं स्टूडेंट्स, जो कि होता है नवंबर टू अप्रैल के बीच। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स जो जून टू अक्टूबर के बीच में जो उगाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम खारिफ क्रॉप्स। और स्टूडेंट्स जून टू अक्टूबर के बीच में कौन सा सीजन आता है, ये स्टूडेंट्स होता है मॉनसून। तो स्टूडेंट्स जो मॉनसून में जो उगाई जाती हैं क्रॉप्स उनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। राइस, मेज एंड जवार आर खारिफ क्रॉप्स। तो स्टूडेंट्स खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, राइस, मेज एंड जवार, इन सब की स्टूडेंट्स पिक्स भी आपको दे रखी हैं, तो इन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है, जो ये क्रॉप जो उगाते हैं फार्मर्स, इनका प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, इस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग दिस क्रॉप्स को एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया, जो क्रॉप्स उगाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप फार्मर्स, अब एक अच्छी और हेल्दी क्रॉप को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए फार्मर्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या प्रोसेस होता है, देखिए स्टूडेंट। स्टूडेंट सबसे पहले वो सॉइल की टिलिंग करते हैं। टिलिंग मतलब स्टूडेंट्स वो सॉइल को ऐसे तैयार करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, जहाँ पर एक अच्छे से एक फार्मिंग की जा सके, मतलब क्रॉप को ग्रो किया जा सके एक लार्ज स्केल पे। एंड मैन्योर टू द फील्ड, और उस फील्ड में फिर वो मैन्योर ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। मैन्योर स्टूडेंट्स क्या होता है, मैन्योर को स्टूडेंट्स वो एक हमारा बायोडिग्रेडेबल एक वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, जिसमें कि क्रॉप्स के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में उनकी हेल्प करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है सो सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो वहाँ पर डाले जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स इरिगेट द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। अब स्टूडेंट्स उस जमीन पर एक रेगुलर इंटरवल्स में पानी दिया जाता है, ताकि क्रॉप की पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। अब नेक्स्ट स्टेप है रिमूव वीड्स दैट ग्रो इन द फील्ड। वीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वीड्स होते हैं वाइल्ड प्लांट्स। अब क्रॉप्स के साथ में स्टूडेंट्स कुछ वाइल्ड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं उस एरिया में, तो उन सभी वाइल्ड प्लांट्स को वहाँ से हटाया जाता है, ताकि वो उन क्रॉप्स को अच्छे से उन न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल पाए सॉइल से, वो वाइल्ड प्लांट्स उनके न्यूट्रिएंट्स ना लें, इसलिए उनको उधर से हटाया जाता है। अब नेक्स्ट है स्प्रे केमिकल्स पेस्टिसाइड्स टू डिस्ट्रॉय प्लांट पेस्ट्स। सर्टेन इंसेक्ट्स एंड फंजाई दैट डिस्ट्रॉय प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट पेस्ट। अब स्टूडेंट्स कुछ केमिकल का भी स्प्रे किया जाता है, जिस केमिकल को हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ये स्प्रे क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स, ये किया जाता है ताकि क्रॉप पे कोई इंसेक्ट्स वगैरह, कोई फंजाई वगैरह ना लगे और उनसे हमारी सेफ रहे हमारी क्रॉप, इसलिए उन पे हम इसका स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स का। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। अब जो वो हमने क्रॉप उगाई है उसको जो एनिमल्स होते हैं काउ, बफेलोज वगैरह, ये ना खाएं, इसलिए उन्हें हम अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं अपनी क्रॉप्स को। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, जो फाइनल स्टेप होता है स्टूडेंट्स हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग वो होता है जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है, तो एक प्रॉपर टाइम पर उसे काट कर एक अच्छे से एक सेफ प्लेस पर स्टोर किया जाता है, ताकि वो मार्केट में
सोल्ड की जा सके या बेच दी जा सके। तो स्टूडेंट्स, हार्वेस्ट हार्वेस्ट द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स एट अ प्रॉपर टाइम एंड स्टोर इट सेफली टिल द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। तो ठीक है, देख लिया स्टूडेंट्स हमने एग्रीकल्चर कितना अच्छा प्रोसेस है और कितना मेहनती प्रोसेस भी है ये एग्रीकल्चर। इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग प्रोसेस स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स। अब स्टूडेंट्स, जो हमने ये क्रॉप्स हार्वेस्ट की हैं इनको हम स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी लार्ज स्केल पर ग्रो की जाती हैं, तो इनको हम कहाँ पर हार्वेस्ट करेंगे। देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल द एंटायर प्रोड्यूस एज सून एज द क्रॉप हैज़ बीन हार्वेस्टेड। स्टूडेंट, ये पॉसिबल नहीं है कि क्रॉप को हार्वेस्ट करते ही बेच दिया जा सके, क्योंकि स्टूडेंट्स उनमें काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। देखिए वो क्या होते हैं, क्रॉप्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ क्लीन प्लेस अंडर प्रॉपर कंडीशंस। डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें स्टोर करने के लिए एक साफ़ सुथरा, एक प्रॉपर हाइजीन कंडीशन वाली जगह चाहिए होती हैं, ताकि वो क्रॉप्स हमारी जो पूरे साल की हमारी जो मेहनत होती है उन पर कोई पेस्ट वगैरह ना लगें या वो ख़राब ना हो, उन पर कोई फंजाई वगैरह भी ना लगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग कंडीशंस वाले स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स, हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें किसी कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। एंड स्टूडेंट्स, ड्राई ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर्ड इन लार्ज रूम्स कॉल्ड ग्रेनरीज। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे ड्राई ग्रेन्स एंड पल्सेज होती हैं, जो जैसे चावल, दाल, गेहूं वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनको स्टोर करने के लिए स्टूडेंट्स हमें बड़े बड़े जो कमरे टाइप होते हैं उनमें इनको हम स्टोर करते हैं, जिनको हम ग्रेनरीज बोलते हैं स्टूडेंट्स। दीज आर वेरी लार्ज रूम्स, ये बहुत ही बड़े रूम्स होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ओनली आपको एक रूम में एक टाइप की ग्रेनरी, एक टाइप के ग्रेन्स आपको दिखेंगे। तो इसमें हम इसको ग्रेन्स पल्सेस को हम स्टोर करते हैं। अब स्टूडेंट, एक फैक्ट है लाइफ स्किल्स में, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हेल्प इन गेटिंग बेटर यील्ड। दीज केमिकल्स कंटेमिनेट सॉइल, वाटर एंड एयर एंड अफेक्ट आवर हेल्थ। दे शुड बी यूज स्पेरिंगली। तो स्टूडेंट्स, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज होते हैं, ये स्टूडेंट्स बेटर यील्ड तो देते हैं, फसल को अच्छी यील्ड तो देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, हमारी एयर को भी पॉल्यूट करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज़ करने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स हैं कुछ चैप्टर्स के, एक बार इन पे हम ध्यान देंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। जर्मिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस विच गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड। अब स्टूडेंट, जर्मिनेशन मैंने बताया था, जर्मिनेशन जो वो प्रोसेस होता है जिससे एक सीड से एक नया प्लांट ग्रो करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम जर्मिनेशन। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग प्लांट पेस्ट, ये अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। प्लांट एम्ब्रियो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट एम्ब्रियो होता है अ बेबी प्लांट इन अ सीड। एक बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्लांट एम्ब्रियो। रेडिकल क्या होता है, अब द फर्स्ट पार्ट टू अपीयर व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स इट फॉर्म्स रूट। रेडिकल वो होता है स्टूडेंट, जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो जो फर्स्ट पार्ट जो हमें दिखता है उसके अंदर से, उसको हम बोलते हैं रेडिकल। वो रेडिकल ग्रो करने के बाद रूट्स बन जाता है। सीड डिस्पर्सल क्या होता है स्टूडेंट्स, सीड डिस्पर्सल इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। सीड डिस्पर्सल एक नेचुरल प्रोसेस है सीड्स को फैलाने का।
अब प्लूमूल क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लूमूल होता है, इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अपियर अबव द ग्राउंड, सॉरी द इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अपियर अबव द ग्राउंड। स्टूडेंट्स प्लूमूल होता है जो फर्स्ट पार्ट, जो ग्राउंड से ऊपर जो हमें प्लांट का दिखता है वो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं प्लूमूल। तो स्टूडेंट्स ये जो कीवर्ड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स, सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दीज। और इस पूरे एग्जाम्स, इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए एक बार रिमेम्बर करते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा है, प्लांट रिप्रोडक्शन में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स हमने। फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड होते हैं स्टूडेंट्स, सीड सीडलिंग में कन्वर्ट होते हैं और फिर प्लांट बनता है। फिर स्टूडेंट्स लीफ से भी प्लांट बनता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम हमने देखा था। अब स्टूडेंट्स रूट से भी प्लांट बनता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो हमने पढ़ा था, और स्टेम से भी बनता है, जैसे कि रोज़ हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें कॉन्स होते हैं एंड स्पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें एक नया प्लांट मिलता है। कॉन्स वाले प्लांट्स जैसे कि पाइन एंड स्पोर्स वाले प्लांट्स जैसे कि फर्न। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास के में करेंगे। तो स्टूडेंट्स होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मिल सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।